क्या इस दुनिया में गरीब होना अभिशाप है? क्या इस दुनिया में विकलांग होना सबसे बड़ी दिक्कत है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक गरीब, एक विकलांग गरीब बहुत ही दुखी है। और वो दुखी क्यों है? वो दुखी इसलिए है क्योंकि एक तो विकलांग है और ऊपर से गरीब, ना ही पेंशन है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित है। इस समय मेरे साथ भूरा कश्यप है। कश्यप, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्या गरीब होना पाप है? मैं ये चाहता हूँ, देखिए हम गरीब तो बहुत गरीब हैं, और ना मेरे पास घर है, ना मकान है, ना कुछ है, और हम ये अपनी जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये दुनिया की संगत जो आती है गुरुद्वारे के अंदर, उस गुरुद्वारे की कमाई से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मुसीबतों का बहुत सामना मैं स्वयं कर रहा हूँ। जिस नेता के पास जाता हूँ, किसी मंत्री के पास जाता हूँ, साला दो चार दिन मुझे भगाता है। मोदी जी कहते हैं हम ये करते वो करते, क्या करते हैं मुझे बता दें मोदी जी। मैं दुखी हूँ इतना कि जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं मेरे पास। मैं अपने बच्चों को स्कूल में डालने के बाद में भी मौजूद रो रो के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे क्या सरकार दे रही है? सरकार बताओ मुझे क्या क्या किया मेरे साथ। चुनाव में आपने वोट दिया था? हर चीज होता है मेरा, कोई सरकार नहीं सुनती है, कोई सरकार कुछ नहीं करती है। ये सरकार बेवकूफ बनाती है कि मैं विकलांगों को ये करती हूँ वो करती हूँ। कौन सी विकलांगों को क्या कर सरकार देती है मुझे? मैं गुरुद्वारे के बीच मांगते अपना खिलौना बेच करके अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास न छत है न छाया, खाने तक के पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को खिला सकूं। सरकार कहती है हम ये कर दूंगी वो कर दूंगी, हमको दिखाए सरकार कि हमको क्या कर रही है। हमने अभी तक पेंशन के लिए फॉर्म डालने गए डिप्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर के, कोई भी हमको बता दे कि हमारे पास किसी ने हेल्प की हो। केवल एक रमन भल्ला जी हमारे पास आटा दाल देने घर गए थे, और मेरे पास आज तक कोई सरकार का कर्मचारी मेरे पास नहीं गया है। बस मैं यही चाहे। कहाँ पे रहते हैं आप? हम जीवन जसमेश नगर में रहते हैं किराए पर। जी 20 साल। परिवार में हम बीबी, हमारी दोनों आंखों से अंधी है, और मैं विकलांग हूँ। मेरे बेटी है दो, एक बेटा है, मैं पढ़ाता हूँ, किसी तरह मजबूरी से पढ़ा रहा हूँ। मैं इतना दुखी हूँ कि ना घर के लिए जीना के लिए सोच रहा हूँ, यही लग रहा है कि बच्चों को लेकर के बीच रोड पे पेट्रोल डाल के आग लगा लूँ सारे के लिए। ऐसा नहीं बोल, यही करना चाहता हूँ अब, बस यही रह गया। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास बच्चे पढ़ेंगे कैसे रखूंगा। जिस मकान पे बैठता हूँ वो मकान मालिक बोलता है किराया नहीं है तो कमरा खाली करो, मैं बच्चे लेकर रोड पे कहाँ सोऊंगा। सारा कैसे चल रहा है? यही है गुरुद्वारे की सेवा से, संगत से रोटी खा रहा हूँ मैं। ये झूठ बोल के नहीं खाता हूँ, मैं गुरु के घर से बैठ के रोटी खा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं जोड़े घर की सेवा करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, गुरुद्वारे से मेरी संगत मदद करती है। आज तक सरकार ने किसी ने ये सरकार के कोई भी अधिकारी आकर के मुझसे पूछे कि आपने मदद मेरी हुई है, मैं कहता हूँ मेरी सरकार ने किसी ने भी मदद नहीं की है, इतने बड़े हो गए हैं। मोदी जी तो कह रहे थे कि विकलांगों के लिए पेंशन है। मोदी जी झूठ बोलता है, मोदी जी झूठ बोलता, सच झूठ बोलता मोदी जी। मोदी जी क्या करके देता है, दिखा दे हमको क्या करके दिया मेरे को। मैं खुद कहता हूँ मोदी जी को, मैं खुद कहता हूँ मेरे को दिखा दे, मेरे पोजीशन देख ले आके, मोदी जी स्वयं पोजीशन देख ले कि मेरे पास क्या है हालत, मेरे बच्चों की क्या हालत और मेरी हालत क्या है, खुद देख ले आके सामने आकर के। पेंशन के लिए अर्जी दी हुई है? पेंशन के लिए मैंने 3 बार गया हूँ दफ्तर में, 3 बार मेरे फॉर्म फेंक दिए गए। कोई विकलांग कल्याण अधिकारी क्या कहते मियां बीबी ज्वाइंट खाता खुला लाओ, मैं ज्वाइंट खाता खुलाने गया, उसके बाद में भी अधिकारियों ने मेरा फॉर्म फेंक दिया। मैडम ने ना वहाँ से कोई पेंशन की उपलब्धि नहीं मिली, तो फेंक दिया। अभी भी है, मेरे फॉर्म दिखाता हूँ आपको, मैं मेरे पास ही रखे हैं फॉर्म। ये फेंक दिया तो बोले थे राशन कार्ड, तो मैं बोला मैम देवेंद्र गुप्ता जी का साइन करा के लेके गया था। उन्होंने बोला आपकी पेंशन लग जाएगी बाबा, पेंशन के लिए कोई राशन कार्ड की जरूरत नहीं होती है। मैं बोला राशन कार्ड की जरूरत नहीं है तो पेंशन तो लगा दी जाए, पेंशन नहीं लगाई गई, मैडम ने भगा दिया। 3 बार अधिकारी बड़े अधिकारी विकलांग कल्याण अधिकारी ने बोला कि आप दोनों मियां बीबी खाता खुलाओ। खाता खुलाने के चक्कर में मैंने इलाहाबाद बैंक जे किए फतेह सिंह गुरुद्वारे के बगल में, मैंने मैनेजर साहब से बोला, मैनेजर साहब ने फ्री में मेरा खाता खोला। खाता खोल के ना खाता नंबर लेके गया, वहाँ से गया तो वहाँ से तुरंत भगा दिया मैडम ने। पुलिस यहाँ तुम्हारी पेंशन नहीं होगी, जहाँ मर्जी चला जा तू, कुछ भी कर ले, नहीं करूंगी मैं पेंशन। मैं चला आया वहाँ से। अब बताइए सरकार कहती है कि हम ये देते वो देते, हमको बता दे हमको क्या दिया है सरकार ने। हम सरकार के आगे ये कहना चाहते हैं और सरकार को यही दिखाना चाहते हैं कि हमको दिखाए तो क्या करेगी, नहीं करेगी तो हम मोदी जी का चैलेंज देते हूँ कि मैं पेट्रोल डाल के अपने बच्चों सहित मैं बीच रोड पे आग लगाऊंगा अपने शरीर पे। ये चैलेंज है मेरा, आज लिख कर रहा हूँ 5 लोग को ऐसे अपने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आपने
आपने बीजेपी के किसी अधिकारी से बात की? बीजेपी के अधिकारी, कांग्रेस के अधिकारी, सबसे मिल चुका, किसी ने कोई मेरी सुनाई नहीं करी है और नहीं करेगा। आज मैं 5 दिन का समय देता हूँ, नहीं होगा। मैं 5 दिन के बाद में अपने बच्चों को लेकर के न किसी से पूछूंगा, ना जांचूंगा, पेट्रोल लूंगा अपनी बीवी के ऊपर से डाल करके, ना आग लगा के मरने की धमकी है मेरी। बहुत दुखी है ये शख्स, भूरा कश्यप नाम है इनका, और शास्त्री नगर में रहते हैं, आप जशमेश नगर में रहते हैं, किराए पर रहते हैं, और इनका कहना है कि गुरुद्वारे में रहते हैं, वहाँ से सेवा करते हैं गुरुद्वारे में, और वहाँ से इनको खाने का सामान जो है वो मिलता है। तो सवाल ये है कि सरकार द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए कि विकलांगों के लिए पेंशन दी जाएगी, तो ये शख्स विकलांग है। अगर आपको कोई शक है, अगर आपको कोई डाउट है कि ये विकलांग नहीं है, तो आप खुद आकर देख सकते हैं कि ये शख्स विकलांग है, और इनकी धर्मपत्नी, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि दोनों आंखों से वो देख नहीं सकते, दो बच्चे भी हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनका भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, लेकिन जनाब कैसे उज्जवल होगा वो भविष्य जब इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, और जो सरकार ने कहा था विकलांग पेंशन, वो पेंशन तक नहीं इनके पास, जैसा ये कह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन थोड़ा सा तो संज्ञान इस पर लेगी और भूरा कश्यप के साथ एक बार जरूर मिलिए और इनका भी दुख दर्द सुनिए कि क्या चाहते हैं, और इनकी समस्याओं का निवारण जरूर होगा।